आज हम वापस वीडियो बनाने आए हैं। इस बार हम इन तीनों वेरिएंट्स का बैटल होने जा रहा है। तो इन तीनों का यानी सबसे पहले जो बैटल होगा वो होगा इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में जिसके सबसे पहले 5 पॉइंट हो जाएंगे वो जीत जाएगा। और जो यानी जैसे ये लड़ रहे ये बाहर चला गया तो इसके 1 पॉइंट होगा यानी 1 पॉइंट हो जाएगा। और जो जीतेगा वो इससे बैटल करेगा। स्टॉम पेगासस, डार्क बुल, रॉक लियोन। ओके तो हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रैगो आ रहे हैं। तो आपने जैसे देखा कि दोनों के बीच में टाई हो गया था, और अभी भी टाई हो गया है, अभी भी टाई हो गया है। तो सॉरी गलत लॉन्च हो गया। ओ सॉरी बाहर चला गया है। तो आपने जैसे देखा है कि कौन देखते हैं कौन जीतेगा इन दोनों से। अभी तक किसी का भी 1 भी पॉइंट नहीं हुआ है। एल ड्रैगो का 1 पॉइंट होते हुए जैसे आपने देखा कि एल ड्रैगो के पास कम पावर हो रही है यानी उनका स्लीप आउट होने का चांस है। और एल ड्रैगो स्लीप आउट होते हुए यानी 1 पॉइंट यानी इन इसका भी 1 पॉइंट और इसका भी 1 पॉइंट। तो अभी बाकी हम चलते हैं। सॉरी बट एल ड्रैगो गलत लॉन्च हो गया। सॉरी रॉक लियोन गलत लॉन्च हो गए हैं। कोई बात नहीं सर, होता होता है, खेल तो होता ही है। तो आज ऐसा आपने देखा कि दोनों के बीच में टाई हो चुका है। देन अब बारी है एल ड्रैगो की पहले चलने की। देन फिर आते हैं जैसा आपने देखा कि डार्क बुल ने उनको अपर कट दिया है, उनके कील के स्क्रू के ऊपर चढ़ चुके हैं। अब डार्क बुल पहले चलेंगे। अभी सिर्फ 1 पॉइंट ही है लेकिन डार्क बुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं तो ज़्यादा ही। जैसा आपने देखा कि इन दोनों के बीच में टाई हुआ जा रहा है। तो हम सबसे पहले अब लियोन को लॉन्च करेंगे। सॉरी लियोन भी एल ड्रैगो को लॉन्च होने को तैयार नहीं है। जैसा आपने देखा यहाँ पे फिर से टाई हुआ जा रहा है, यहाँ पे टाई हुआ जा रहा है। अब ये लास्ट मैच होगा जिसमें पता चल जाएगा कि हमारा विनर कौन है। बस ये लास्ट मैच होगा क्योंकि हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। अभी हमें वापस करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे डार्क बुल स्टैंड से चले चुके हैं। जैसे हमने देखा डार्क बुल जीत चुके हैं तो एल ड्रैगो बाहर। तो अब बैटल होगा 5-5 का स्टॉम्प पेगासस डार्क बुल। तो सबसे पहले डार्क बुल चलते Thank you.
देखा कि दोनों के बीच में टाई हो गया है, तो अभी हम वापस करेंगे इसमें डार्क ब्लू को वापस पहले चलेंगे। अभी एक पॉइंट स्टॉम पे जिसका ही है, जैसे आपने देखा कि एक एक पॉइंट हो चुका है, तो स्टॉम पे जैसे आपने देखा कि स्टॉम पे किसी जीत गए हैं, यानी दो पॉइंट स्टॉम सॉरी दो दो हो चुके हैं, ईच पॉइंट हो चुके हैं सॉरी दो दो नहीं यानी दो एक, एक डार्क बुल का है और स्टॉम पे किसी के दो है। सो तीन पॉइंट हो चुके हैं, तो अब बारी है स्टॉम पे किसी की चलने की। तो जैसा आपने देखा कि स्टॉम्प पेगासस के चार पॉइंट हो चुके हैं और डार्क बुल का डार्क बुल के एक पॉइंट है, तो जैसा आपने देखा कि स्टॉम्प पेगासस जीत चुके हैं, तो स्टॉम्प पेगासस विनर ऑफ द मैच। तो ये है स्टॉम्प पेगासस जिन्होंने पाँच पॉइंट है और इन्होंने सिर्फ इन दोनों के बीच में बड़ा बनाया, इन्होंने एक पॉइंट बनाया, इन्होंने पाँच पॉइंट बनाया, तो दोस्तों तो ये विनर हो गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तो इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, तो और कमेंट भी करें, और ड्रेगन घी एक चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।